राजस्थान के 10 जिलों के 1,80,00,000 लोगों की प्यास बुझाने वाली इंदिरा गांधी नहर की नहरबंदी 65 दिन बाद चलने के बाद अब खत्म हो चुकी है। आज सुबह जिस तरीके से हाथी नहर में पानी आया है और राजस्थान के 10 जिलों तक पानी पहुंचना शुरू हुआ है, उससे इस गर्मी के मौसम में जब लोग त्रायम कर रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को पीने का पानी बहुत अच्छे तरीके से नसीब हो रहा है। राजस्थान में जिस तरीके से इस वक्त जब गर्मी का मौसम है तो पानी की ज़रूरत बड़ी है, तो ऐसे में माना जा रहा था कि जल्दी से जल्दी क्लोजर ख़त्म होगा तब के जनता को लाभ मिलेगा। इसी को ध्यान में रखकर PHDD के चीफ इंजीनियर नीरज माथुर के नेतृत्व में आज पूजा अर्चना की गई। पानी आ चुका है और आगे से आगे पहुँच भी रहा। साथ उन्होंने ये भी कहा कि ग्रामीण और शहरी इलाके में किसी प्रकार का आगे कोई परेशानी नहीं आएगी। कुल मिलाकर के जिस तरीके से हाथी नहर पर पूजन किया गया है और आज से पानी जब पहुंचना शुरू हो गया है तो माना जा सकता है कि गर्मी के सीजन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और सांसद हनुमान बेनीवाल ने आज श्री डूंगरगढ़ में किसान महापंचायत का आयोजन किया। इस दौरान स्थानीय नेता भी सक्रिय रहे। दानाराम घिंटाला, डॉक्टर विवेक माचरा सहित कई स्थानीय नेता मौजूद रहे। हनुमान बेनीवाल ने जमकर भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहलवान बेटियों को न्याय नहीं मिला तो मैं संसद जाना छोड़ दूंगा। साथ ही साथ उनका कहना था कि जब किसान परेशान था तो मैं उनके साथ सड़कों पर था, अब युवा परेशान है और अग्निपथ के खिलाफ हम दिल्ली तक मार्च करेंगे। उन्होंने राजस्थान सरकार को लेकर भी निशाने साधे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जो कुछ हो रहा है किसी से छिपे हुआ नहीं है, पेपर लीक हो रहे हैं। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि ईडी को लेकर हम कोलायत की रैली में बड़ा खुलासा करेंगे। कुल मिलाकर हनुमान बेनीवाल यहाँ पूरी तरह से रंग में नजर आए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर निशाना साधते दिखाई दिए। हालांकि भीड़ की बात करें तो ये कहा जा सकता है कि आशानुरूप भीड़ नहीं थी। हालांकि RLP नेताओं का मानना था कि श्री डूंगरगढ़ के लिहाज से अच्छी खासी भीड़ जुटी है।